तो अभी के टाइम पर मैसेंजर में एक प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आप यहाँ पे यूजर नेम बना के यूजर नेम को सेव करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये एरर आ जाएगा, जिस वजह से हम यूजर नेम को नहीं बना पा रहे हैं। तो यूजर नेम को अगर आप बना लेते हो तो दूसरों को आपकी आईडी सर्च करने में काफी आसानी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि आप यूजर नेम को बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे फेसबुक के जरिए आपको बताऊंगा कि आप यूजर नेम को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको फेसबुक को अपडेट कर लेना है। तो फेसबुक को ओपन करेंगे तो अभी आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कीजिए, आपके सामने फेसबुक की न्यू सेटिंग कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। आपको यहाँ पे सी मोर इन अकाउंट सेंटर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी शो हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे फेसबुक का यूजर नेम बनाना है तो आपको यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं एंड अवतार भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे यूजर नेम चेंज करना है, यूजर नेम सेट करना है, तो आपको यहाँ पे यूजर नेम पे क्लिक करना है। तो जो भी यूजर नेम आपको बनाना है वो यूजर नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आपके सामने यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये यूजर नेम पहले से किसी ने लिए हुए हैं, तो आपको इस यूजर नेम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है। तो ये यूजर नेम यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे डन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फेसबुक प्रोफाइल पर आपका यूजर नेम सेट हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा यूजर नेम सेट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे फेसबुक को बैकग्राउंड से कट करेंगे और दोबारा से फेसबुक को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपका यूजर नेम यहाँ पे बन चुका होगा। कोई भी इस यूजर नेम को फेसबुक में सर्च करेगा तो टॉप पर सर्च रिजल्ट में आपकी आईडी मिल जाएगी।